नमस्कार, मैं हूँ ईशा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें कि महिला बाल विकास परियोजना में समय व आवश्यकता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र और बच्चों की संख्या बढ़ी है, परंतु इनकी तुलना में आज भी सुविधा नहीं बढ़ी। अधिकांश केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कई केंद्रों पर ना तो बिजली कनेक्शन है, ना ही पहल की स्थानीय व्यवस्था है। आपको बता दें कि ऐसा ही नगर मुख्यालय के पुलिस लाइन के पीछे संचालित हो रही आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 37 में देखने को मिल रहा है, जहां विभाग ने विभागीय भवन गत 3 वर्ष पहले तो दे दिया है, लेकिन बिना मूलभूत सुविधाओं के ही इनमें आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें, इस केंद्र का भवन बिना पानी बिजली कनेक्शन के अनुपयोगी साबित हो रहा है। मजबूरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका आसपास से पेयजल की व्यवस्था में लगी रहती है, जिसका खामियाजा भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर मासूम बच्चे व केंद्र का संचालन कर रही विभाग की कार्यकर्ता व सहायिका को उठाना पड़ रहा है। वहीं कार्यकर्ता व सहायिका द्वारा विभाग के अधिकारियों को पानी और बिजली कनेक्शन लगाए जाने की कई वर्षों से मांग की जा रही है, किंतु अब तक पानी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार है, तो वहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्र का क्या हाल होगा और कैसे संचालित हो रही होगी। आपको बता दें कि महज बच्चों को नाश्ता और भोजन देने की रस्म अदायगी की जा रही है, लेकिन उन्हें आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। संगीता चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 13, केंद्र क्रमांक 37। आंगनवाड़ी तो पक्की है सर, आंगनवाड़ी पक्की बनी हुई मिली है हमको, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ बाउंड्री वाल भी नहीं है, और क्या है, रोड आती जाती है। आंगनवाड़ी के सामने पक्की रोड बनी है तो लोग आना जाना करते हैं, गाड़ियाँ बहुत चलती है, तो बाउंड्री वाल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। हमको यहाँ 3 साल कंप्लीट हो गए सर लगभग, आंगनवाड़ी संचालन हो रही है। हाँ सर, हमने अभी जो नए पार्षद बने हैं रवि बनाफर, उनसे भी बोला कि भैया यहाँ पे पानी और लाइट की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे, अभी देखते हैं, ऐसा करके बोले, और आज तक अभी वो आए नहीं है। पहले जब नए पार्षद बने तभी उनने बोला, नहीं पूर्व पार्षद ने तो हमारी कोई सहायता नहीं की, सिर्फ उनने बिल्डिंग बना दिए और बिल्डिंग में हम लोग आ गए, बस यही है, बाकी उनने आज तक ना पानी ना लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की। पुराने पार्षद विभाग के तरफ से भी बोला गया है कि लाइट लगवा देंगे करके, पर अभी कुछ प्रोसीजर चालू नहीं है।